Hi guys, welcome back to my channel. This is me Preeti and I hope you all are doing well. So in today's video, I'm going to share my everyday quick makeup look. मैं daily basis पे कैसे ready होती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ में share करने वाली हूँ. अगर आप लोग interested हैं so please video को end तक देखिएगा. So चलिए video को start करते हैं. Let's get started. So सबसे पहले मैं अपना face moisturize करती हूँ. मुझे बाहर जाने में अगर कितना भी time लग रहा है या मैं कितनी भी जल्दी में मैं ready हो रही हूँ लेकिन मैं moisturizer कभी नहीं भूलती हूँ. अगर मैं day time में बाहर जा रही हूँ तो मैं moisturizer, sunscreen दोनों ही अप्लाई करती हूँ. आपको भी ये डेली बेसिस पे अप्लाई करना ही है क्योंकि ऑब्वियसली सन से आपको अपने स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना है तो आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना ही पड़ेगा. और खास करके मेरी ड्राई स्किन है तो मैं मॉइस्चराइजर कभी भी स्किप नहीं करती हूँ. मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ उसके बाद मैं बाकी के प्रोसेस जो भी है वो मैं करती हूँ. तो पहले मैंने जॉय का फेस मॉइस्चराइजर लगाया है. ये मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन को सूट करता है. उसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने वाली हूँ. लिप्स मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करती हूँ वैसलीन. आपकी चॉइस है, अगर आपको कोई भी लिप बाम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा सकते हो. तो मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूँगी. उसके बाद प्राइमर की जगह पे मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल. प्राइमर यूज़ करना एक्चुअली डेली बेसिस पे अगर मैं बाहर जा रही हूँ और मैं कोई भी फाउंडेशन या फिर कोई भी बीबी और सीसी क्रीम मैं अप्लाई कर रही हूँ उससे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइमर लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और प्राइमर लगाने से आपका बेस काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट हो जाता है, ब्लेंडिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है आपको. तो इसीलिए मैं प्राइमर पहले लगाऊंगी. प्राइमर की जगह पर मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ. अगर आपकी चॉइस है, आपके पास प्राइमर है तो प्राइमर लगाओ, और नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो. सो नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ बीबी क्रीम. ये पॉन्ड्स का बीबी क्रीम है, काफ़ी अच्छा है. इसके ऊपर मेरा एक प्रॉपर वीडियो है, आप उसे देख सकते हो. मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हो. काफ़ी अच्छा क्रीम है ये, मुझे काफ़ी सूट करता है और डेली बेसिस पर मैं इसे लगाती हूँ. मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप स्किन केयर फॉलो करते हो, प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करते हो तभी आप इसे डेली बेसिस पर लगाओ. अदरवाइज़ मैं नहीं सजेस्ट कर रही हूँ आपको कि आप इसे डेली बेसिस पर लगाओ. सो इसको मैं लगा रही हूँ. उसके बाद में मैं एक ब्लेंडिंग स्पॉन्ज की हेल्प से, एक्चुअली ये पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे मैं अपने पूरी बीबी क्रीम को काफ़ी अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लूँगी. ब्लेंड करने के बाद इसको ब्लेंड करने से जो भी आपके थोड़ा सा पिगमेंटेड एरियाज होते हैं, फाइन लाइंस है या स्पॉट्स हैं, उसको काफ़ी अच्छे से हाइड करता है. कवरेज काफ़ी अच्छा है बीबी क्रीम का, इसीलिए मैं इसे डेली बेसिस पर अप्लाई करती हूँ. तो नेक्स्ट मैं अपनी बीबी क्रीम को सेट करने वाली हूँ एक लूज पाउडर की हेल्प से. ये जोवीज का लूज पाउडर है, आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर कोई भी लूज पाउडर आप लगा सकते हो अपने बीबी क्रीम को सेट करने के लिए. एक्चुअली ड्राई स्किन है सो मैं इसे ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा सा लगा रही हूँ ताकि मेरी बीबी क्रीम मतलब प्रॉपर सेट हो जाए. बस इसीलिए इसको थोड़ा सा अप्लाई करूँगी. सो अभी मैं अपने आईब्रोज़ को सेट करने वाली हूँ. आईब्रोज़ को सेट करने के लिए मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल है, डार्क ब्राउन शेड में है. इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ से आप उसे देख सकते हैं. सो इसे मैं अपने हल्के हल्के हाथों से अपने फ्रंट साइड पर इसे प्लेस करूँगी, इसको ड्रॉ करूँगी. उसके बाद में बैक साइड में जितने भी स्पेस है उसको मैं काफ़ी अच्छे से कवर कर लूँगी. सो ब्राउज को सेट करने के बाद में मैं अप्लाई करने जा रही हूँ काजल, जिसके लिए मैंने ब्लू हेवन का डार्क ब्लैक कलर का काजल लिया है. एक्चुअली इसके ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक भी नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है. सो इस काजल को मैं अपनी वाटर लाइन पर प्लेस करूँगी. एक्चुअली मैं इसे डेली तो नहीं अप्लाई करती हूँ लेकिन जब भी मुझे लगता है कि मतलब मेरा काजल मिट गया है तो मैं उसे अप्लाई कर लेती हूँ. सो गाइस काजल अप्लाई करने के बाद में मैं यूज़ करती हूँ मस्कारा. एक्चुअली मैं डेली बेसिस पे मस्कारा लगाती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है मस्कारा अप्लाई करना. इसके लिए मैंने लिया है मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, काफ़ी अच्छा मस्कारा है, आपको ऑनलाइन अवेलेबल है. अगर आपको चाहिए होगा तो मैं उसका भी नीचे लिंक दे दूँगी जहाँ से आप परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे, मिंत्रा, कहीं भी आपको ईजिली मिल जाएगा. आप उसे वहाँ से चेकआउट करके उसे आप ऑर्डर कर सकते हो. काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये कि लैशेज को काफ़ी वॉल्यूम देता है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देता है ये. आपको इसे 2-3 कोड इसे अप्लाई करना है दोनों आईज पर. मैं इसे अपनी लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करती हूं.
सो नेक्स्ट स्टेप इज लिपस्टिक, जिसके लिए मैंने ये न्यूड कलर लिया है। एक्चुअली डेली बेसिस पे रेड और पिंक ऐसे डार्क कलर के लिपस्टिक मैं मुझे नहीं पसंद है, मैं डेली बेसिस पे ऐसी लिपस्टिक को प्रेफर नहीं करती हूँ। ये न्यूड शेड है, मेरे टोन के साथ में काफ़ी अच्छे से जाता है। एक्चुअली इसका शेड मुझे याद नहीं है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ से आप इसे चेकआउट करके उसे मंगवा सकते हो। और लिपस्टिक के बाद ये लिपस्टिक मैं सेम अप्लाई करती हूँ अपने ब्लश के लिए, क्योंकि वही सेम चीज़, क्योंकि मेरी स्किन को, मेरे पूरे लुक को ये काफ़ी अच्छे से इसके साथ में जाता है, इसीलिए मैं अपने ब्लश के लिए भी मैं सेम लिपस्टिक को यूज़ करने वाली हूँ। ये आपको पता नहीं चलता, मतलब लगाने के बाद में काफ़ी अलग से ये दिखता नहीं है, तो ये ब्लश का काम भी काफ़ी अच्छे से करती है। मैं इसका लिंक आप लोगों को नीचे दे दूंगी, अगर आपको पसंद आ रही है ये लिपस्टिक तो आप वहां से इसे ऑर्डर करके इसे मंगवा सकते हो, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है। इसके बाद मैं अपने ब्लश को, जो भी मैंने अपनी चीकबोन पे अप्लाई किया था, उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप ये लुक आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर ये लुक अच्छा लगा है, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।